ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि CSS stands for cascading style sheets. CSS इस purpose के लिए बनाई गई थी कि HTML को style किस तरह से करना है, किस तरह से खूबसूरती add करना है, क्या color होगा website का, क्या background होगा, क्या border color होगा, किस तरह की color scheme के साथ साथ क्या क्या design होंगे website के अंदर, ये सब CSS के through design किया जाता है. HTML कभी भी ये सोचकर नहीं बनाया गया था कि इसको styling के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. HTML को हमेशा से structure एक web page का बनाने के लिए बनाया गया था. सच तो ये भी है, जब टिम बर्नर्स-ली ने HTML को बनाया था तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक वेब पेज को खूबसूरत बनाने के लिए और एडिशनल काम करना पड़ेगा. CSS ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया. HTML स्केलेटन बनाता है वेब पेज का, और एज अ सेपरेट लैंग्वेज CSS काम करती है वेब पेज को डिजाइन करने में, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने में. HTML 3.2 के अंदर कुछ टैग्स जैसे कि कलर और फॉन्ट काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वेब डेवलपर्स के अमंग, क्योंकि वो लोग अपने पेज को स्ट्रक्चर करने के साथ साथ अलग अलग पेजेस की स्टाइलिंग के लिए ये सारे टैग्स को दोबारा से इस्तेमाल कर रहे थे. ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी इसलिए थी क्योंकि कंसिस्टेंसी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रही थी. इस प्रॉब्लम को समझते हुए हाकॉम व्यूम लाय ने एक ईमेल लिखा W3C को. उन्होंने अपने ईमेल में स्पष्ट तौर पर बताया कि हम लोग एक प्रपोजल दे रहे हैं जिसमें कि एक सेपरेट लैंग्वेज के तौर पर CSS को यूज किया जाएगा वेब पेजेस को स्टाइल करने के लिए, और HTML रिस्पॉन्सिबल रहेगी सोली to create structure of a page. उनके इस प्रपोजल को टिम बर्नर्स-ली ने जोरों शोरों से सपोर्ट किया. उनके सपोर्ट में रॉबर्ट कैल्यू भी आए, जिन्होंने कहा कि हाँ, हाकॉम की बात बिल्कुल सही है, CSS को एक एज अ सेपरेट लैंग्वेज बनाना चाहिए. और फाइनली W3C ने सुनकर इन चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर दिया. हाकॉम व्यूम लाय ने एक काम और बहुत बढ़िया किया, उन्होंने एरिना ब्राउजर के अंदर अपने इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करके दिखाया. उन्होंने दिखाया कि CSS को एज अ सेपरेट लैंग्वेज जब इंप्लीमेंट किया जाएगा और HTML को सोली रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, तब कैसी फील आएगी, कैसा दिखेगा वेब पेज, कैसा यूजर एक्सपीरियंस होगा. उनके अरीना ब्राउजर में CSS को इंटीग्रेट करने से उनका जो प्रपोजल था वो और भी स्ट्रांग हो गया, और W3C ने CSS के स्पेसिफिकेशंस पर काम करना शुरू करवा दिया. 1994 से एक काम स्टार्ट हुआ और फाइनली 1996 में CSS1 का जन्म हुआ, और ये एक एज अ सेपरेट लैंग्वेज टू स्टाइल वेब पेजेस बना दी गई. इस सफलता ने हाकॉम व्यूम लाय और टिम बर्नर्स-ली जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस और भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया CSS के और वर्जन्स में, उसमें और अच्छे अच्छे फीचर्स को ऐड करना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम्स को एज अ फीडबैक लेना शुरू कर दिया लोगों से कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं जब वो CSS का इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड CSS2 को उन्होंने 1997 में फाइनलाइज करवाया. फाइनली 10 साल के बाद CSS3 का डेवलपमेंट और जोरों शोरों से शुरू होने लगा, और इसके अंदर और अच्छे अच्छे फीचर्स जैसे कि 3D ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसलेट, बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफिक रिलेटेड फंक्शंस एटसेट्रा CSS में ऐड किए गए. W3C का 20 ईयर्स ऑफ CSS वाला पेज CSS की हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है, जो कि शुरू होता है हाकॉम के ईमेल के साथ. और अगर आप लोग इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट CSS के इन ऑर्डर ऑफ टाइम देखने को मिलेंगे. तो ये थी हिस्ट्री ऑफ CSS. अब आ जाते हैं सिंटेक्स के ऊपर. सिंटेक्स की अगर CSS के बात करूं तो CSS एक बहुत ही सिंपल से सिंटेक्स पर काम करती है. आप लोग कुछ सेलेक्टर्स देते हैं, वो सेलेक्टर्स टैग हो सकते हैं, वो सेलेक्टर्स क्लासेस हो सकती हैं, IDs हो सकती हैं, का कॉम्बिनेशन हो सकता है. और एक बार आपने सेलेक्टर दे दिया तो उस सेलेक्टर के करस्पॉन्डिंग आप लोग कुछ स्टाइल्स डिफाइन करते हैं, जो कि HTML पेज के अंदर उन सारे सेलेक्टर्स पर लग जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं सारी हेडिंग्स को बोल्ड करना चाहूं तो मैं इस तरह के सिंटेक्स को यूज कर सकता हूं. कुछ इस तरह के सिंटेक्स का यूज करके मैं सारी BG ब्लू वाली क्लासेस वाले एलिमेंट्स के बैकग्राउंड को ब्लू कर सकता हूं. हम यूजुअली सिंपल सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट्स को बनाने के लिए, लेकिन आप लोग बहुत सारे अलग सेलेक्टर्स जो कि CSS प्रदान करता है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. CSS को अपने पेज में ऐड करने के 3 तरीके होते हैं: एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS और इंटरनल CSS. एक्सटर्नल CSS CSS को यूज करने वाला सबसे लोकप्रिय तरीका है, जिसमें आप लोग एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते हैं विद अ .css एक्सटेंशन और उसको लिंक टैग की मदद से अपने HTML में लिंक करते हैं. इनलाइन CSS में आप लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं HTML एलिमेंट्स के अंदर और उसके अंदर आप लोग CSS लिखते हैं. इंटरनल CSS में आप लोग स्टाइल टैग्स के अंदर CSS रूल्स डिफाइन करते हैं.
जाएगी। इन तीनों में से कोई भी तरीका CSS को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी वेब पेज की फॉन्ट प्रॉपर्टीज को आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, आप लोग फॉन्ट की फैमिली चेंज कर सकते हैं, आप लोग फॉन्ट को एज अ बोल्ड प्रतीत करा सकते हैं। कुछ इस तरह के सिंटेक्स को इस्तेमाल करके आप ये सारे काम कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट, स्पेसिंग और डेकोरेशन आप लोग इस सिंटेक्स का इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हैं। CSS के अंदर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आप लोग कुछ इस सिंटेक्स का इस्तेमाल करके कस्टमाइज कर सकते हैं। आप लोग अपने पेज में बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर की थिकनेस को डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर के कलर को डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह के सिंटेक्स का इस्तेमाल करके। CSS के अंदर बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट होता है। बॉक्स मॉडल का मतलब एक कंटेनर जो कि आपके HTML एलिमेंट्स को रैप करता है, उसके अंदर मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर तीनों होती है। आप लोग कुछ इस तरह के CSS सिंटेक्स का इस्तेमाल करके अपने बॉक्स मॉडल को चेंज कर सकते हो। CSS के अंदर आप लोग कलर्स का इस्तेमाल करके अपने अलग अलग कंटेंट को अलग अलग कलर का प्रतीत होता हुआ दिखा सकते हो। कुछ इस तरह के सिंटेक्स का यूज करके आप लोग कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। टेबल्स को स्टाइल करने के लिए CSS के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, जो कि आप लोग कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो और अपनी टेबल्स को स्टाइल कर सकते हो। आप लोग अलग अलग तरह की पोजिशनिंग, जैसे कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ इस तरह के सिंटेक्स का इस्तेमाल करके। CSS 3 के अंदर एनिमेशन और ट्रांजिशंस का भी इस्तेमाल करके बहुत अच्छे इफेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। कुछ इस तरह के सिंटेक्स का इस्तेमाल करके आप लोग ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रांजिशन का मतलब आप लोग एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में जब स्विच करोगे तो एक बहुत ही स्मूथ स्विच होगा, डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। फ्रॉम 0 टू लेट अस से 30, आपकी प्रॉपर्टी 0, 1, 2, 3, 4 बहुत ही ग्रेजुअली 30 में चेंज होगी। आप लोग एनिमेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो CSS के अंदर, कुछ इस तरह से आप लोग एनिमेशंस बना सकते हो। CSS के अंदर फ्लैक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट होता है। फ्लैक्स बॉक्स एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आपको अपने एलिमेंट्स को अपने वेब पेज के अंदर अपने मनपसंद तरीके से अलाइन या फिर जस्टिफाई करने में हेल्प करता है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके सारे कंटेंट सेंटर हो जाएं, या फिर एक एलिमेंट लेफ्ट साइड पर, एक राइट साइड पर और एक सेंटर पे आ जाए, तो आप फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लेक्स बॉक्स का सिंटेक्स कुछ इस तरह से ही, कुछ इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आप लोग फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लेक्स बॉक्स के बहुत ही सिमिलर होती है CSS ग्रिड। ये आपके कंटेंट को इनसाइड अ ग्रिड लेआउट दिखाती है। कुछ इस तरह के सिंटेक्स का इस्तेमाल करके आप लोग ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हो CSS के अंदर। तो ये थी CSS की कुछ प्रॉपर्टीज। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस वीडियो में। CSS के कुछ कोर्सेज और CSS की चीट शीट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।